हेलो एवरीवन, टुडे आवर क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इन दिस क्वेश्चन व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² माइनस 4y² प्लस 5x प्लस 20 टू ऑब्टेन माइनस x² माइनस y² प्लस 6xy प्लस 20। So in this question, you have to subtract from this equation. Question saying, what would be the taken away? What would be subtract from this equation? And we get answer this equation. Okay. मतलब आपको क्या करना है? इसमें question बोल रहा है कि हम इस equation में से ऐसा क्या remove करें, क्या subtract करें? कि हमको ये आंसर मिल जाता है। लेट वन एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग। सपोज हैव वी हैव 12 एंड व्हाट वुड बी द सबट्रैक्ट, इसमें से हम क्या सबट्रैक्ट करें कि हमको 8 मिल जाए। सपोज सो वही नंबर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, मीन्स 12 में से हम 4 अगर माइनस करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। ओके सो सेम कंडीशन दैट है कि वुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी गॉट दिस वन। सो आप इसी इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे, जो हमको रिजल्ट मिलेगा वही हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके सो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, राइट प्रॉपरली एंड वी टेकिंग हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सब्ट्रैक्शन भी देंगे। सो 3x² माइनस 4y² प्लस 5x प्लस 20 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन है माइनस x² सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब आपको वर्टिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो यहाँ पर वर्टिकली में क्या होता है कि हम पहले तो अरेंज करते हैं जो वेरिएबल्स हैं वो सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल होना चाहिए। ओके इट मीन्स x² है और यहाँ का x² सेम होना चाहिए, सेम पोजीशन पर होने चाहिए। सो फर्स्टली अरेंजिंग द इक्वेशन, सो फर्स्टली फर्स्ट इक्वेशन राइट एज इट इज़, देन सेकेंड इक्वेशन सो माइनस x² देयर ओनली, मीन ऑलरेडी अरेंज है। सो y² राइट फोर हेयर 6xy एंड हेयर 20, देन आफ्टर वी विल सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या करना है, जितने भी जो जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके सारे साइंस सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं, मीन्स उसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा उस इक्वेशन में सारा। सो यहाँ पे x² जो है माइनस में है, नेगेटिव है, इसमें जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, मीन्स ये जो x² है अभी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। ओके एंड सेम एज इट इज हियर ऑल्सो माइनस y², सो वी मल्टीप्लाई माइनस सो दिस विल बी प्लस, हेयर प्लस है सो वी मल्टीप्लाई माइनस सो हेयर माइनस कमिंग, देन अगेन हेयर प्लस एंड प्लस है एंड वी मल्टीप्लाई माइनस सो माइनस कमिंग, देन आफ्टर वी विल सब्ट्रैक्शन डूइंग। सो प्लस 3x² एंड हेयर ऑल्सो प्लस x², सो दिस विल बी प्लस 4x² कमिंग, देन आफ्टर माइनस 4y² एंड हेयर प्लस y², सो माइनस प्लस माइनस कमिंग, सो प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1 3 एंड साइन इज बिग हैव माइनस, दैट्स व्हाई वी टेकिंग माइनस साइन, माइनस 3y², देन आफ्टर प्लस 5xy एंड माइनस 6xy, सो 5 माइनस 6 सो माइनस 1, सो सेम हेयर माइनस xy 1xy ओनली सो 1 डोंट राइट, एंड प्लस 20 एंड दिस इज माइनस 20 सो दिस विल बी कैंसल, दिस विल बी कैंसल अदरवाइज 0 हेयर कमिंग एंड दिस इज योर आंसर। ओके नाउ आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2।
क्लास 7th का ये क्वेश्चन है. ओके सो हियर क्वेश्चन सेइंग फ्रॉम द सम ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस 11 माइनस वाई माइनस 11 एंड सब्ट्रैक्ट दिस नम दिस इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 11. मतलब आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले आप फ्रॉम द सम पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सम करो एंड आफ्टरवर्ड वो जो रिजल्ट आएगा उससे आप इसको माइनस सब्ट्रैक्शन करो. सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड सेकंड माइनस वाई माइनस 11 एंड सब्ट्रैक्ट 1 एंड पुट द वैल्यू. सो 3x माइनस वाई प्लस 11 एंड माइनस वाई माइनस 11 देन 3x राइट वी डूइंग एडिशन सो प्लस साइन कमिंग देन 3x राइट एज इट इज एंड माइनस वाई माइनस माइनस सो प्लस कमिंग एंड साइन इज माइनस सो माइनस 2y एंड हियर प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल सो आंसर इज 3x माइनस 2y. ओके हेयर प्लस साइन दैट्स वाई हाँ यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं इसलिए हमारी इस इक्वेशन के साइंस चेंज नहीं होंगे. ओके नाउ ये इनका सम ओवर देन वी सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11 सो फ्रॉम सब्ट्रैक्शन 3x माइनस 2y एंड सब्ट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11 सो राइट लाइक एज इट इज वर्टिकली एंड स्टेप सेम वेरिएबल सो 3x माइनस 2y एंड हियर 3x माइनस वाई माइनस 11 ओके एंड माइनस है अब वी डूइंग सब्ट्रैक्शन दैट्स वाई अभी यहाँ के साइन आपके चेंज होंगे. सो अगर इसके आगे सामने कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब ये क्या है आपका प्लस है. सो ये प्लस 3x जो है वो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा देन माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है माइनस माइनस 11 वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो माइनस माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एंड प्लस में माइनस में करेंगे तो प्लस 11 देन 3x एंड माइनस 3x कैंसिल एंड माइनस 2 एंड माइनस 1 सॉरी माइनस 1 नॉट है माइनस 2y एंड प्लस y सो माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 कमिंग. ओके सो सेम हेयर ऑल्सो माइनस 2 प्लस 1 y एंड वी डूइंग सब्ट्रैक्शन सो माइनस 1 कमिंग एंड हेयर प्लस 11 राइट आंसर दिस इज योर आंसर.